हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, वो आपका जुलाई में होने वाला है। तो आपको लगातार सीटेट की तैयारी करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करते रहिए। आज हम लोग पॉलिटी की पहली क्लास लेकर के आए हैं। ये है क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी और पॉलिटी का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे समानता। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। और अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए। जो भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, वो आपको अपनी नोट्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको अपने कॉपी में आपको सेव करना है और फिर उसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करने से क्या होगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए चलते अपने पहले अध्याय पर। देखिए, समानता आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं समानता है क्या। समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए, लोकतंत्र ये तो सबसे पहले जान लीजिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें लोक और दूसरा है तंत्र। देखिए, लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात जहाँ पर जनता का शासन हो जाए वही आपका लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब एक शब्द आया है समानता, में समानता को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। समानता का मतलब होता है जहाँ सबको समान अवसर मिले। क्या होता है? सबको समान अवसर मिले। अब वो चाहे गरीब व्यक्ति हो और चाहे अमीर व्यक्ति हो, समानता का मतलब होता है सबको समान अवसर मिले। समानता का मतलब है अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो चाहे अंबानी का लड़का है तब भी उसको वही सजा का प्रावधान है, और चाहे एक रिक्शा चालक का बेटा है तब भी उसको सजा का वही प्रावधान है। यही है समानता। ठीक है, चलिए चलते अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। क्या मानता है? समान। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब के सब क्या माने जाएंगे? समान माने जाएंगे। आपका चाहे जो जाति हो, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो आपकी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे जैसी आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, मतलब चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, चाहे आप अमीर हों, चाहे गरीब हों, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई। आज भी असमानता देखने को मिलती है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, जैसे पहले क्या था कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, अब अनेक जो कानून मौजूद है, इससे क्या होता है कि लोगों में भी थोड़ा कानून के प्रति जागरूकता होने से उनमें भी क्या होता है, डर का माहौल होता है। ये 1975 में दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाले उस एक लड़के को फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता और मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। आप लोगों ने दीवार पिक्चर में देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ निम्न है। पहला प्रावधान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसकी दृष्टि में? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर एक कांता जैसी घर में काम करने वाली नौकरानी तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। पहला, समझ में आया? बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्लास सेवन्थ की जो एनसीईआरटी की पॉलिटी है, ये आपकी जान है, पॉलिटी की जान है, ये जान लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा इसको।
पहला तो समझ में आ गया ना कि चाहे वो राष्ट्रपति हो भैया ऊपर बैठा हुआ, और चाहे वो कांता जो जैसी नौकरानी हो, दोनों के लिए जो कानून है वो कानून क्या है आपका, कानून समान रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, समझ में आया। चलिए तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां सब प्रतिभाग करें, पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान है, होटल है, दुकान है, बाजार है, ठीक है, सब लोग सार्वजनिक, कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। देखिए इसका बहुत बार पूछा गया है, इसे छुआछूत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छुआछूत का उन्मूलन भी कर दिया गया है। ये है भारत की संसद, चित्र देखिए कैसी है। अब तो हमारे यहाँ नई संसद आ गई है, ये आपकी पुरानी संसद है, ये जो खड़े हैं ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हम क्या है, अपने जो है अपने सरकार हम ही हैं, ये आपको भारत का तिरंगा दिख रहा है। कह रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। कैसे संसद में आप प्रतिनिधित्व पाते हैं, आपके क्षेत्र का जो सांसद जाकर के संसद में बैठता है वो आपका ही तो प्रतिनिधित्व करता है। आप जिस जिले से हैं, आपके उस जिले का सांसद जब संसद में बैठता है तो आपके जिले का प्रतिनिधित्व करता है। इससे क्या होता है, इससे आपका प्रतिनिधित्व समझा जाता है, आपके यहाँ की समस्याओं की मांग वो संसद के सामने रखता है। चलिए अगला कह रहा है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। शासन का मतलब यहाँ क्या कहेंगे आप, सरकार कहेंगे, क्या कहेंगे, सरकार। दो तरीके से लागू किया है, पहला क्या है, कानून के द्वारा, किसके द्वारा, कानून के द्वारा, और दूसरा कह रहा है सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। पहला कानून बनाया है कि जैसे कानून के द्वारा किसी का शोषण ना हो, सबको समानता का अवसर दिया जाए, तो ये तो पहला कानून के माध्यम से हो गया। लेकिन दूसरा इन्होंने जो किया है, बढ़िया है ये, कि सरकार की जो विभिन्न योजना और जो विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, जैसे चलाती विभिन्न योजनाएं, आप सुने हो कि जीरो हंगर कार्यक्रम है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार लॉन्च करती रहती है, किसके लिए, सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू किया है, ताकि उनके उस कार्यक्रम, उस योजना के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर के लेवल में लाया जा सके। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो, अर्थात जिनको अतीत में अवसर नहीं मिला है, अतीत का मतलब पहले के समय में, अब उनको अवसर प्राप्त हो। सतत विकास लक्ष्य, भुखमरी समाप्त करना, जीरो हंगर, ये जो है सरकार का एक स्कीम है, ठीक है, जो चलाई जा रही है। चलिए एक स्कीम और चला रही है सरकार, उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। क्यों, क्योंकि बीच में बहुत सारे बच्चे, होता क्या था कि भोजन के लिए स्कूल नहीं जा पाते थे, तो सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा कि क्या मध्याह्न भोजन व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तमिलनाडु में हुई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए।
मतलब समझ में आया? जब तमिलनाडु ने सर्वप्रथम इस व्यवस्था को अपने यहाँ प्रारंभ किया, तब 2001 में उच्चतम न्यायालय ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, यह सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारें 6 माह के अंदर अंदर अपने भी राज्यों में इस कार्यक्रम को आरंभ करें। इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने जाता था तो वो लौट करके घर से वापस नहीं आता था, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उसकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और भी जितने समुदाय के बच्चे हैं वो एक साथ एक ही कतार में, एक ही भोजन में बने, एक ही बर्तन में बने हुए भोजन को वो ग्रहण करते हैं। दूसरा, जो भोजन को बना रहा है वो किस कास्ट से है ये भी नहीं देखा जाता है, वो चाहे जिस कास्ट का हो। चलिए आगे कह रहा है कि क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता है की है, जो प्रातः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, ये इमेज में जो आपको दिख रहे हैं इनके बारे में कौन नहीं जानता है, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम, शासकीय का मतलब होता है सरकारी, क्या होता है? सरकारी। ठीक है, शासकीय कार्यक्रम अवसर की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, कहां वह स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है कि उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि वही है जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, इससे पूरे स्कूल की सफाई करवाई गई थी। तो बाद में इसके पिता जब आते हैं तो क्या करते हैं, टीचर को बहुत डांटते हैं। ठीक है, ये वही वाली कहानी है, याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। जो व्यक्ति नगण्य है, आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन बहुत बढ़िया कथन है, कोई कमी, मतलब जो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। आगे इनका एक कथन और बहुत बढ़िया है कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना है कि जब तक वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं। तो दोनों कथन बहुत बढ़िया हैं, दोनों कथन कूट बना करके पूछे जा सकते हैं। दोनों कथनों पर विचार करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, दोनों कथन इम्पॉर्टेंट हैं। आगे कह रहा है, इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, सब एक समान है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है।
प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अभी और अधिक पढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो सच यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। आपको विदेशों से भी परिचित कराया जा रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका लाए गए थे वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट छोड़कर उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्कर्स इम्पॉर्टेंट है, ये 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से काफ़ी ऊँचा है। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है इसका प्रतिषेध करता है। पहला कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर क्या क्या, पहला दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः भागतः राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लोकतंत्र की चुनौती, जो अंतिम टॉपिक है। किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे ही समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ाते हुए विचार आपको पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आज भी भेदभाव हमारे यहाँ चल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट शब्द की सूची में है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के समान योग्य समझने से है, याद रखिएगा। संविधान क्या है,
यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता या सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। क्या है? यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो इस प्रकार आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।